हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पप्पू करियर गाइड, कंप्लीट गाइड फॉर ऑल योर करियर नीड्स। तो फिर आज की जो वीडियो में बात करने वाले वो एपा कैपजेमिनी टीसीएस एंड विप्रो की 5 बड़ी अपडेट को लेकर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी ज़्यादा बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिसको लेकर आपके मन में अभी तक स्टिल डाउट्स होंगे। तो वीडियो को आप लोग इन तक जरूर देखना, वीडियो को अच्छा लगे लाइक जरूर करना फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, सबसे पहले बात के लिए बता दो, फिर आपको पता ही होगा कैपजेमिनी इंजीनियरिंग जो कि एज अ आपको पता ही होगा ग्लोबल एज सॉफ्टवेयर कंपनी एज अ पार्ट ऑफ कैपजेमिनी इंजीनियरिंग भी है। ओके, और ये फ्रेंड जो हायरिंग करते हैं वो पता है को माइंडटोमी के साइड से हायरिंग करते हैं, जिसमें ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। तो कैपजेमिनी इंजीनियरिंग और कैपजेमिनी बोथ आर द कंपनी, ओके रेप्यूटेड कंपनी है, लेकिन कैपजेमिनी इज अ पार्ट ऑफ कैपजेमिनी है, मतलब कैपजेमिनी का एक पार्ट है कैपजेमिनी इंजीनियरिंग। ओके, तो इसका जो हायरिंग प्रोसेस थोड़ा सा अलग होता है एज कम्पेयर टू कैपजेमिनी में। ओके, क्योंकि कैपजेमिनी में आपको जो है फिर एक वर्क स्टाइल रिपोर्ट मिलता है, बट कैपजेमिनी इंजीनियरिंग में आपको टोटल आपको 4 राउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें आपका पहले आपका जावा या फिर आपको लोग असेसमेंट देते हो तो आपको जावा या फिर पाइथन पे आपको कुछ मिलता है, उसके बाद पर टेक्निकल होता है जिसमें मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कैपजेमिनी जो एग्जाम इसका स्टार्ट हो चुका, इसका एग्जाम जो स्टार्ट हुआ तो आपका स्टार्ट हुआ 30 नवंबर से स्टार्ट हुआ, तो और राइट नाउ एग्जाम स्टिल कंडक्टिंग एंड स्टिल गोइंग ऑन। ओके, सेकेंड अपडेट करके बात करते फिर यहाँ पर, व्हेन कैपजेमिनी टेस्ट रिजल्ट आउट फॉर 22 बैच, बता दो फ्रेंड अभी जो है अपडेट को लेकर बता दो फ्रेंड आप लोग को जो फ्रेंड 15th of January से पहले आप लोग के पास जो फ्रेंड रिजल्ट को लेकर अपडेट देखने को मिल जाएगा। बट इफ आर नॉट गेटिंग बिफोर 15th of January देन इट मे बी टेक लाइक 1 or 2 months मोर, बिकॉज बता दो फ्रेंड कैपजेमिनी को लेकर जो 2021 बैच हैं, 2022 बैच हैं, उनके काफ़ी लोग ऑलरेडी एग्जाम दे देते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, एग्जाम देना, वर्क स्टाइल पर्सनलाइज वर्क स्टाइल रिपोर्ट आना इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग फॉर रिसीविंग इंटरव्यू मेल। ये टोटली डिपेंड्स करता है कैपजेमिनी के बिजनेस रिक्वायरमेंट के ऊपर, बिजनेस डिमांड के ऊपर में, क्योंकि देखो उन्होंने पहले ही अपनी वेबसाइट मेंशन कर चुका है कि पर्सनलाइज वर्क स्टाइल रिपोर्ट इज नॉट मैंडेटरी फॉर गेटिंग अ इंटरव्यू मेल, इट्स जस्ट योर पार्ट ऑफ योर 4th राउंड। जो आप एग्जाम देते हो ना, एक दिन में 4 राउंड्स होते हैं, पता ही आपको 3 राउंड होते हैं, 3 या 4 राउंड होते हैं, तो 4th राउंड जो आपका होता है वो आपका होता है बिहेवियर स्किल राउंड। तो बिहेवियर स्किल राउंड में ही आपको फिर जो है पर्सनलाइज वर्क स्टाइल रिपोर्ट देखने को आता है, लेकिन वो ये आपको कन्फर्म नहीं करता कि आप सिलेक्टेड हो। ठीक है, अगर आप 4th राउंड तक जा रहे हो वर्क स्टाइल रिपोर्ट आर, इट्स नॉट इट डजेंट कन्फर्म दैट यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ योर 4th राउंड। ऑटोमेटेड है कि आप एग्जाम देते हो, आपका एक पर्सनलाइज्ड रिपोर्ट जनरेट होता है आपके लिए, ये कोई डिफाइन नहीं करता कि आप सिलेक्टेड हो फॉर द इंटरव्यू राउंड के लिए। बता दिया मैंने कैपजेमिनी का, जो मैंने बता दिया फिर इंटरव्यू का जो फिर डेट आने वाला है वो फिर आपका मिड ऑफ दिस जनवरी में आपको देखने को मिलने वाला है। बल्क हायरिंग होने वाला फ्रेंड फॉर द बैच ऑफ 22 बैच, मतलब कि कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा लो जाने वाला है और आप लोग के पास सिलेक्शन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होने वाले हैं फ्रेंड। और इसके बाद कैपजेमिनी फिर अगेन हायरिंग करने वाली फ्रेंड कैपजेमिनी 22 बैच को अगेन यहाँ पर हायरिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेंड आफ्टर दिस। ओके, आफ्टर दिस आपको एक और राउंड देखने को मिलेगा फ्रेंड, वो आपका होगा पूल कैंपस ड्राइव। ठीक है, वो पूल कैंपस ड्राइव थोड़ा सा अलग होगा, उसमें आपको अलग रोल देखने को मिलेगा जो कि फ्रेंड आपको जो है एंड ऑफ दिस जनवरी के अंदर में आपको जो फ्रेंड देखने को मिल जाएगा। मैं आप लोग को अपडेट कर दूंगा फॉर दी सेम। ओके, मैंने बता दिया। ठीक है, विप्रो बता दो फिर, विप्रो का फेज 2 का जो फिर एग्जाम कंडक्ट होने वाला फिर वो आपका मिड ऑफ जनवरी से लेकर एंड ऑफ दिस जनवरी, मतलब 2022 में आप लोग का एग्जाम कंडक्ट होने वाला है। ओके, जो कि फेज 2 आपको पता होगा फ्रेंड, जिसमें टर्बो था आपका वो था स्टार था और एलियट था विल, मतलब जितना भी जो पोस्ट के लिए हायरिंग करी थी फेज 2 के लिए, उसका जो फिर एग्जाम है आपका जो होगा मिड ऑफ दिस जनवरी से लेकर एंड ऑफ दिस जनवरी के बीच में आपको देखने को मिलने वाला है। मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा वेन एवर दे स्टार्ट सेंडिंग फॉर द असेसमेंट लिंक फॉर द सेम। ओके, डोंट नो नीड टू वरी। बता दो फ्रेंड यहाँ पर टीजर ऑफ कैंपस फेज 2 का जो फ्रेंड बता दूँ, अभी ये हायरिंग जो फ्रेंड 16 तो आप पता होगा 16 जनवरी तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप लोग में जो लोग भी अप्लाई नहीं करे होंगे तो फिर आप लोग जाकर अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप लोग पैसा पे करने बिल्कुल में जरूरत नहीं है। और यहाँ पर फिर आप लोग को जो है क्या पता एग्जाम देने पर आपको डायरेक्टली ऑपरेटर देखने को मिल जाए, क्योंकि ऐसे बहुत लोगों को देखने को आया है। सो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट फ्रेंड। ठीक है, तो जिन लोगों के पास भी कैपजेमिनी का वर्क स्टाइल रिपोर्ट आया, इट डजेंट कन्फर्म दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू राउंड, बट समहाउ चांसेस रहता है कि आपके पास इंटरव्यू में देखने को आते हैं। बट कितना टाइम लेती है कैपजेमिनी इंटरव्यू के लिए बता दो फ्रेंड, ये आपका जो है 15 दिन से लेकर 3-4 महीने भी जा सकती है। अगर आपका पैशन से देन ओनली गो फॉर द कैपजेमिनी, अदरवाइज यू कैन लीव द कंपनी, यू कैन लाइक प्रिपेयर फॉर द अनदर कंपनी ऑल्सो, बिकॉज वो टाइम लेती है। अभी मेरे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो बोलते हैं सर मेरे पास अभी तक LOI का मेल आया बट डॉक्यूमेंट अपलोड का मेल नहीं आया, मेरे पास ऑफर लेटर का मेल नहीं आया, सर ज्वाइनिंग लेटर का मेल नहीं आया, तो दे आर टेकिंग लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, सो फॉर द बैच ऑफ 22 आई थिंक दे विल डू द सेम थिंग। ओके, जैसा कि 2021 बैच के साथ में हुआ था वैसा ही 22 बैच के साथ में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि वो थोड़ा डिले करती है क्योंकि उनका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, थोड़ा सा अजीब होता है। ठीक है, क्योंकि वर्कशॉप रिपोर्ट ही सिलेक्शन में मैटर नहीं करता। तो अगर आपका सोशल रिपोर्ट आ रहा है, नहीं आ रहा है, मैटर नहीं करता, बस आप लोग ये ध्यान देना अगर आपका 1st राउंड से लेकर 3rd राउंड तक अच्छा गया है, 4th राउंड तक अच्छा गया है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस पे आपका इंटरव्यू डिपेंड करता है। और इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ईजी है,
ठीक है, बहुत ईजी है, आप लोग इंटरव्यू क्रैक कर लोगे अगर आपके पास एक बार भी इंटरव्यू आता है, क्योंकि वो ज़्यादातर लोग रिजेक्शन नहीं खाते हैं, 98% लोग सिलेक्ट होते हैं इन इंटरव्यू राउंड एंड कुछ लोग जो है रिजेक्ट होते हैं। तो आई थिंक दैट्स फॉर दिस वीडियो, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट, एंड आपको अच्छा लगा लाइक जरूर करना, फिर मिलते हैं आपको इसी के साथ दूसरे वीडियो में, मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।